बड़ी खबर का रुख करेंगे। यमुनानगर से बड़ी जानकारी है, जहां पर शुगर मिल पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर के ये प्रदर्शन किसानों ने किया शुगर मिल पर। आपको बता दें कि एक घंटे तक सांकेतिक धरना दिया गया। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो 28 दिसंबर को वो कोई बड़ा फैसला भी करेंगे। तो हरियाणा में गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अलग अलग किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। यमुनानगर में शुगर मिल गन्ना यार्ड में टिकैत ग्रुप ने प्रदर्शन किया है। एक घंटे का सांकेतिक धरना भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना तो 28 दिसंबर को होने वाली बैठक में बड़ा फैसला किया जाएगा। तो गन्ने का आज गन्ने के रेट को जो प्रदेश में हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता था भाई गन्ने का रेट हरियाणा में सबसे ज्यादा मिलेगा पूरे देश में 362 रुपए की घोषणा करके ये साबित कर दिया भी किसान विरोधी मुख्यमंत्री है, किसान विरोधी सरकार है। तो आज गन्ने के रेट को लेकर पूरे हरियाणा में शुगर मिलों के सामने एक घंटे के लिए रोड प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे जो भी 28 तारीख को हमारी यूनियन के पदाधिकारी फैसला लेगी, हम उसके लिए रोड जाम करने हो कुछ भी करने हो हम तैयार रहेंगे। या ट्रेलर है आगे गन्ने का रेट का आंदोलन शुरू हो गया। देवीदास शारदा हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। देवीदास, शुगर मिल पर किसानों ने प्रदर्शन किया है गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर के, क्या जानकारी? यही जिस तरह से जो भारतीय किसान यूनियन है इनका यही कहना है कि जो कृषि की लागत है वो बढ़ चुकी है, उसमें जो है बिजली है, पानी है, जो खाद है, हर जगह की यदि लेबर की बात करो भी बढ़ चुका है, लेकिन ये जो पेपर जो शुगर मिल की गन्ने की पर्ची आ रही है पुराने रेट की पर्ची आ रही है, इनका यही कहना है कि जिस तरह से खर्चा हुआ किसान के ऊपर बड़ा भारी लोड हुआ है और इसके लिए सरकार को चाहिए, शुगर मिलों को चाहिए को रेट बढ़ाएं, पर जो शुगर मिलें हैं वो अपने पुराने रेट पर ही पर्ची दे रही हैं। तो उनका यही कहना है कि यदि रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे तो भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध करती है। आज तो एक घंटे का था, इसके बाद जो अगला कदम उनका और सख्त होने वाला है। जी आयुष, चलिए देवीदास, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।